आज प्रस्तुत है पनीर पसंदा। अगर आप पनीर के शौकीन हैं तो आपने पनीर पसंदा जरूर खाया होगा, और अगर नहीं भी खाया है तो जब आप इसे खाएंगे तो यह आपका पसंदीदा हो जाएगा, क्योंकि इसका तो नाम ही है पनीर पसंदा। तो चलिए रूबरू होते हैं मुगल काल के एक रचनात्मक व्यंजन से, बनाते हैं पनीर पसंदा। मित्रों, आपसे आग्रह है कि मेरे पर्सनल ब्लॉग जो कि ट्रेवल, फिटनेस और हेल्दी फूड पर आधारित है, उसे सब्सक्राइब कर मुझे प्रोत्साहित करें। इस पर्सनल ब्लॉग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 31 दिसंबर 2021 को मैंने हिमाचल प्रदेश की पाराशर लेक को विजिट कर उस पर एक ब्लॉग बनाया है। आशा है आपको अवश्य पसंद आएगा। कृपया कमेंट करके बताएं यह आपको कैसा लगा। 200 ग्राम पनीर लेते हैं। इसके किनारे काटकर इससे इस प्रकार दो वर्गाकार टुकड़े निकाल लेते हैं। अब इन पनीर के टुकड़ों से पतली पतली फांकियां काट लेते हैं। इस प्रकार हमें 200 ग्राम पनीर से 8 वर्गाकार फांकियां और कुछ किनारे के अवशेष प्राप्त होते हैं। इन अवशेषों को इस प्रकार मसल लेते हैं जैसा कि हम पनीर भुर्जी में करते हैं। यहां हमने थोड़ी सी किशमिश को टुकड़ों में काट लिया है। एक अखरोट के आधे हिस्से एवं 3 से 4 काजुओं को भी बारीक काट लिया है। 4 से 5 हरी मिर्चों के डंठल काटकर हटा देते हैं। एक छोटे टुकड़े अदरक को और छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। यह 20 से 30 ग्राम हरी धनिया की पत्तियां हैं, इनको टुकड़ों में काट लेते हैं ताकि इनको बारीक पीसा जा सके। इसके साथ ही साथ हमने 8 से 10 लहसुन की कलियां ली हैं। अब इस सामग्री को एक ब्लेंडर में स्थानांतरित करते हैं। इसमें आधा अखरोट और 2 से 3 काजू डालते हैं। अब इन्हें पीस लेते हैं। इस पिसी हुई हरी चटनी में बारीक काटे गए काजू, अखरोट एवं किशमिश सम्मिलित करते हैं। एक चुटकी नमक डालते हैं, एक चुटकी चाट मसाला छिड़कते हैं और मसला गया पनीर सम्मिलित करते हैं। सबको अच्छे से मिला देते हैं। इसमें थोड़ा सा शहद सम्मिलित करते हैं और पुनः एक बार मिला देते हैं।
अब पनीर की दो दो फांकियों के बीच में इस चटनी वाले मिश्रण की एक परत लगा देते हैं। इस प्रकार हम पनीर के चार सैंडविच बना लेते हैं। अब थोड़े मैदे को गाढ़ा घोल लेते हैं और साथ ही साथ थोड़ा सूखा मैदा रख लेते हैं। अब इस प्रकार इन सैंडविचों के किनारे पर पहले गीला मैदा लगाकर सूखा मैदा लगा देते हैं ताकि तलने पर अंदर की स्टफिंग बाहर ना निकले। आप चाहें तो मैदे के स्थान पर कॉर्नफ्लोर का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब गर्म तेल में इन पनीर के सैंडविचों को मध्यम आंच पर हल्का तल लेते हैं। इतना तलें कि पनीर अधिक गहरे रंग का ना हो जाए। अब इस प्रकार इन सैंडविचों को तिरछा काटकर दो टुकड़ों में विभाजित कर देते हैं, जैसा कि ब्रेड पकौड़ों में किया जाता है। पनीर अब तैयार है, चलिए अब ग्रेवी की तैयारी करते हैं। इसके लिए उबलते पानी में दो बड़े आकार की प्याज को साधारणतया काटकर सम्मिलित करते हैं। 10 से 12 काजू सम्मिलित करते हैं और एक चुटकी हल्दी डालकर इस सामग्री को 10 मिनट धीमी आंच पर उबाल लेते हैं। काजू प्याज उबल चुके हैं, इन्हें ठंडा करने के उपरांत एक ब्लेंडर में स्थानांतरित कर लेते हैं। इन्हें एकदम बारीक पीस लेते हैं। अब एक पैन में लगभग 3 परोसने वाली चम्मच के बराबर तेल गर्म करते हैं। यह वही तेल है जिसमें हमने सैंडविचों को तला था। गर्म तेल में 1 से 2 तेज पत्ता, 4 से 5 लौंग और 4 से 5 काली मिर्च डालते हैं। एक टुकड़ा दालचीनी का भी डालकर कुछ क्षण भून लेते हैं। अब 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का मिश्रण सम्मिलित करके 1 मिनट मध्यम आंच पर भूनते हैं। थोड़ा पानी डालते हैं ताकि यह मिश्रण जले नहीं। अब 1/2 टेबलस्पून पिसी धनिया, 1/2 टीस्पून पिसी हल्दी, 1/2 टेबलस्पून पिसा जीरा, 1/2 टेबलस्पून किचन किंग मसाला, स्वादानुसार पिसी लाल मिर्च और स्वादानुसार नमक सम्मिलित करते हैं।
सबको अच्छे से मिलाकर 2 से 3 मिनट धीमी आंच पर भून लेते हैं। जैसे ही तेल मसालों से पृथक होने लगे, इसमें पीसा गया काजू और प्याज का मिश्रण सम्मिलित करते हैं। सबको अच्छे से मिला देते हैं। अब इसे ढककर 10 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं। एक बार अच्छी तरह करछी चलाते हैं। तदोपरांत 50 ग्राम फिटा हुआ दही इसमें सम्मिलित करते हैं। दही को सामग्री में मिला देते हैं। तीव्र आंच पर 2 मिनट भूनने के उपरांत ढककर 2 से 3 मिनट मध्यम आंच पर पकाते हैं, ताकि दही से घी पृथक हो जाए। पर ध्यान रखें कि सामग्री जले नहीं, इसके लिए आवश्यकता अनुसार करछी चलाते रहें। अब मसालों में थोड़ी ताज़ी मलाई यानी कि फ्रेश क्रीम सम्मिलित करते हैं। इसे मिलाकर 2 मिनट मध्यम आंच पर पका लेते हैं। अब 1 टीस्पून कसूरी मेथी सम्मिलित करते हैं। थोड़ा सा शहद डालते हैं और पुनः मिला देते हैं। इसमें थोड़ा गर्म पानी सम्मिलित कर तरी का गाढ़ापन संतुलित करते हैं। पुनः ढककर 2 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं। तरी अब तैयार है। इसमें थोड़ी बारीक कटी हुई हरी धनिया की पत्तियां सम्मिलित करते हैं। गैस बर्नर बंद कर देते हैं। इस तरी में तैयार पनीर के सैंडविचों को सम्मिलित करके आप इसका लुत्फ उठा सकते हैं। पर हम इसे इस प्रकार परोसेंगे जैसे कि रेस्तरां में परोसा जाता है। यानी गर्म ग्रेवी पर पनीर के सैंडविचों को इस प्रकार आधा डुबोकर। थोड़ी सी फ्रेश क्रीम की गार्निशिंग के साथ आपसे आग्रह है कि एक बार पनीर पसंदा इस विधि से बनाकर अपना अनुभव हमसे एवं इस चैनल के अन्य दर्शकों से साझा करें। यकीन मानिए, इसका स्वाद लाजवाब है। यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया इसे अपनों के समक्ष साझा करना ना भूलें। धन्यवाद।